हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। उम्मीद करता हूँ जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के ऊपर जो हमारा पिछला वीडियो था, जिसमें हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको बताया एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई कमेंट आया नहीं है। इट मीन्स मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच समझ में आ गया है। आज हम कंटिन्यू करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को एज पर मॉडर्न अप्रोच। जैसे कि पहले भी बताया था, मॉडर्न अप्रोच अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है और फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरे को अपने को अगर मेरे से पूछा जाए तो मुझे ये अप्रोच थोड़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है समझने के लिए। तो वो आपके ऊपर है कौन सी अप्रोच आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है, तो आप इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच को 5 पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती थी, बैलेंस शीट बेस होती थी, एसेट्स होता था, लाइबिलिटीज होती थी, कैपिटल होता था, प्रॉफिट और लॉस होता था। इसी तरह इसमें, इस अप्रोच में एसेट्स अकाउंट, जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, एसेट्स अकाउंट, अभी मैं नाम लिख देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसे। दूसरा है लायबिलिटी अकाउंट, थर्ड है कैपिटल अकाउंट, फोर्थ है रेवेन्यू अकाउंट और फिफ्थ है एक्सपेंस अकाउंट। अब हम लेके चलते हैं एसेट्स। कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको इस स्टेज पे कि एसेट्स कौन होती हैं। तो इसके जो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स हैं, डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट रूल्स, एसेट्स अकाउंट का डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। इट मीन्स एसेट्स अकाउंट में अगर डेबिट इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स बढ़ रही हैं हमारी, फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर पहले था और ले लिया फर्नीचर, तो वो इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट साइड है, और वही फर्नीचर हमने बेच दिया, डिस्कार्ड कर दिया, तो वो डिक्रीज हो जाएगा तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए लायबिलिटी में, डेबिट किसको करेंगे, डेबिट द डिक्रीज अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट साइड, और अगर बढ़ रही है क्रेडिट द इंक्रीज। कैपिटल अकाउंट, ये भी लायबिलिटी अकाउंट है, सेम होगा इसका भी, डेबिट द डिक्रीज और क्रेडिट द इंक्रीज। रिवेन्यू अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट में भी हम डेबिट करेंगे डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट द डिक्रीज और क्रेडिट द इंक्रीज। एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। इस अप्रोच में, मॉडर्न अप्रोच में, ये 5 कंसेप्ट हैं। इनको अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, रट लिया, जैसे भी है समझ के, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। इसी को एक शॉर्ट फॉर्म में हम टी फॉर्म में और बनाते हैं, फिर उसको सीखते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, मेरे को इसको अभी रब करना पड़ेगा। वेलकम अगेन।
डेबिट क्रेडिट रूल्स एज पर मॉडर्न अप्रोच को अब हम और समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। टी फॉर्म में हम एसेट्स अकाउंट बनाते हैं, टी फॉर्म में हम लायबिलिटी अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल बनाते हैं, सारे अकाउंट बना के देखते हैं और फिर देखते हैं डेबिट और क्रेडिट किसको करना है। सबसे पहले हमने एसेट्स अकाउंट को हमने टी फॉर्म में लिखा, एसेट्स अकाउंट हमारा फर्नीचर अकाउंट हो सकता है, मशीन अकाउंट हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो सकता है। टी फॉर्म बनाया इसका, इसमें क्या हमने लिखा, डेबिट साइड क्या आएगा, डेबिट और क्रेडिट। एनी इंक्रीज, अगर एसेट्स में इंक्रीज है तो आप डेबिट कर दो, अगर एसेट्स में डिक्रीज है, डिक्रीज कैसे हो सकता है, हमने एसेट्स को बेच दी तो या डेप्रिसिएशन निकाला है एप्रिसिएशन का तो उसकी वैल्यू कम हो गई, तो डिक्रीज है तो आप क्रेडिट कर दो, यानी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है या एसेट्स बढ़ रही है। नेक्स्ट लीजिए लायबिलिटी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अगर लायबिलिटी में डिक्रीज है तो डेबिट, अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट। लायबिलिटी अगर बढ़ रही है, अगर क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए, कैपिटल अकाउंट हमारा बढ़ गया तो क्रेडिट, और अगर ये रिड्यूस हुआ है तो डिक्रीज है तो डेबिट। सेम विद कैपिटल और सेम विद रेवेन्यू, कैपिटल अकाउंट भी लिख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, अगर डिक्रीज है तो डेबिट साइड और इंक्रीज है तो क्रेडिट साइड रेवेन्यू अकाउंट। डेबिट अगर डिक्रीज है और क्रेडिट इन केस ऑफ इंक्रीज। एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट को हम इधर ले लेते हैं एसेट्स की तरह, डेबिट अगर इंक्रीज है और क्रेडिट अगर डिक्रीज है। तो ये फाइव टर्म्स हैं एज पर मॉडर्न अप्रोच, मेरे को ये ज़्यादा इजी लगती हैं। एक दफ़े ये हमें लर्न कर लिया, हमें लायबिलिटी में क्या होगा, कैपिटल में क्या होगा, किस कब डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अब हम एग्ज़ाम्पल भी लेके चल लेते हैं, सिंपल से एग्ज़ाम्पल्स होंगे तो मुझे फिर से रब करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट तैयार करके रखा है कि कुछ अकाउंट्स दिए हैं मैंने, तो आपको पहले तो ये बताना है कि नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है, अगर इसमें इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, या इस अकाउंट के अंडर अगर डिक्रीज़ होता है तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो ये आपने खुद बताना है, बेटर ये है कि आप अभी मेरे वीडियो को पॉज करो और पहले इसे खुद करने की कोशिश करो फिर वीडियो ओपन करो। तो मैं अभी एक एक आइटम लेके चलता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए फर्नीचर अकाउंट है, पहले ये बताइए कि नेचर ऑफ अकाउंट इसका क्या है। नेचर ऑफ अकाउंट इसका हो गया एसेट्स अकाउंट। अगर एसेट्स अकाउंट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एसेट्स अकाउंट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट।
सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट है। अगर सैलरी अकाउंट हमारा इंक्रीज होता है तो क्या होगा, डेबिट होगा, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। अब मैं डेबिट क्रेडिट के शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा और आगे चलते हैं। मोहन प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर कौन होते हैं? जो सोल प्रोप्राइटर्स हैं, जो ओनर है, इंडिविजुअल जो अकेला ही बिजनेस चला रहा है, वो प्रोप्राइटर होता है, जिसके साथ कोई और मिलके काम नहीं कर रहा। तो ये ओनर है मोहन। तो मोहन प्रोप्राइटर, तो नेचर ऑफ अकाउंट इसका क्या हो गया? कैपिटल। अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या होगा? क्रेडिट। और कैपिटल अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा? डेबिट। और फिर आइए परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हमारा क्या है? एक एक्सपेंस अकाउंट होता है। एक्सपेंस अकाउंट में अगर इंक्रीज है तो हमारा डेबिट है, और एक्सपेंस अकाउंट में अगर डिक्रीज है तो क्रेडिट है। सेल्स अकाउंट्स बताइए क्या है? सेल्स अकाउंट है हमारा रिवेन्यू। और अगर रिवेन्यू में इंक्रीज है तो क्रेडिट, और डिक्रीज है तो डेबिट। इंटरेस्ट पेड अकाउंट, ये क्या है बताइए? इंटरेस्ट को पे किया है, पे किया है तो हमारा एक्सपेंस हो गया ना, तो एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, डेबिट, और कम होता है एक्सपेंस तो क्रेडिट। सोहन एक क्रेडिटर, एक सोहन एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर है तो इसका मतलब लायबिलिटी है। नेचर ऑफ अकाउंट इसका क्या हुआ? लायबिलिटी। और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी को कम हुआ तो डेबिट। और आगे चलिए, राम डेटर्स अकाउंट है। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स हैं हमारे एसेट्स। एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही हैं तो डेबिट, और डिक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अभी अनपेड है, मींस 31 मार्च तक अभी पे नहीं हुई है। अगर पे नहीं हुई है तो हमारी लायबिलिटी हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी हो गई, तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट हमारा लायबिलिटी हो गया। और लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हमारी क्रेडिट है, और अगर डिक्रीज हो जाती है तो डेबिट है। प्रीपेड इंश्योरेंस, इसका मतलब आने वाले साल का हमने इंश्योरेंस अभी दे दिया है, तो ये हमारी एसेट्स हो गई, एसेट्स। और अगर एसेट्स इंक्रीज हैं तो डेबिट, और डिक्रीज है तो क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जितना हमारा बैंक में करंट अकाउंट में पैसा है, हमने उससे भी ज़्यादा निकाल लिया है, तो बैंक ने परमिशन दी भी होगी एज ए स्पेशल केस, तो ओवरड्राफ्ट हो गया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया हमारा। ये लायबिलिटी, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड और आउटवर्ड में आपको डिफरेंस मालूम है? उसमें डिफरेंस है, इनवर्ड है आपकी फैक्ट्री के अंदर कुछ गुड्स आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, तो वो है इनवर्ड। और आउटवर्ड ये है अगर आपकी फैक्ट्री में से कुछ प्रोडक्ट निकल के बाहर चला गया, फिनिश्ड गुड्स के रूप में चला गया, तो वो है आउटवर्ड। तो है इनवर्ड भी खर्चा, क्योंकि आपने कुछ ट्रांसपोर्टेशन में कुछ खर्चा दिया है सामान को अंदर लाने के लिए, वेयर हाउस में लाने के लिए या फैक्ट्री में लाने के लिए, तो है तो ये भी एक्सपेंस। और यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स को हमने वेयर हाउस से निकाल के हम कस्टमर्स तक ले गए या रिटेलर्स तक ले गए, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया, तो है तो ये भी एक्सपेंस, चाहे आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड हो। अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो हम कहते हैं डेबिट हुआ, और कम होता है तो एक्सपेंस, तो हम कहते हैं क्रेडिट हो गया। एक्रूड कमीशन, मतलब हमने कमीशन अर्न कर लिया है 31 मार्च को, लेकिन हमें उस अकाउंटिंग ईयर में नहीं मिला, तो हमारी इनकम है, हमारी इनकम है, एसेट्स है हमारी, हम इसको एसेट्स में दिखाते हैं, तो एसेट्स बन गई, नेचर ऑफ अकाउंट। और इंक्रीज है
तो हमारा डेबिट है, और डिक्रीज है तो हमारा क्रेडिट है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है हमारी, है ना, और एसेट्स है, इंक्रीज है तो डेबिट है और डिक्रीज है तो क्रेडिट है। तो ये बहुत आसान से एग्जांपल्स हैं, आई होप कि आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आई होगी नेचर ऑफ अकाउंट्स बताने में। अब हम और लेके चलेंगे ट्रांजैक्शंस के ऊपर। अब ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं मेरे पास, आपने इसमें अकाउंट इन्वॉल्व बताना है, नेचर ऑफ अकाउंट बताना है, वेदर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है ये बताना है, और डेबिट और क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शंस के थ्रू हम पूरी जनरल एंट्री बना लेंगे कि क्या जनरल एंट्री बनेगी इसमें। पहली ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं ये आप बताइए। एक अकाउंट तो हमारा कैश है इन्वॉल्व, दूसरा कैपिटल इन्वॉल्व, बिजनेस स्टार्ट किया अभी ओनर ने, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स है, और कैपिटल लायबिलिटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कंपनी के अंदर कैश आया है तो कैश हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और कैपिटल, कैपिटल भी इंक्रीज हो गई हमारी क्योंकि कंपनी ने पैसा तो देना है एक दिन ओनर को, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ₹50,000 यहाँ पे डेबिट में और ₹50,000 क्रेडिट में। अब चलिए, बोरोड फ्रॉम राम, राम से ₹10,000 बोरो किए हैं, तो इसका मतलब इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए, कैश अकाउंट, पैसा आया है, और कैश अकाउंट क्या है, एसेट्स अकाउंट है। दूसरा, हमारा राम से लिया है तो हमारा लोन है, ये बोरो किया ना, लोन है फ्रॉम राम, ये क्या हो गया, लायबिलिटी अकाउंट। तो कैश आया है तो कैश तो हमारा इंक्रीज हुआ है, एसेट्स इंक्रीज हुई है, और हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है ना। मैं इंडिकेशन इंक्रीज और डिक्रीज का अपवर्ड और डाउनवर्ड करके दूंगा, आप समझ लीजिएगा। तो ₹10,000, तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, राम लोन अकाउंट या लोन अकाउंट, ₹10,000 डेबिट में, ₹10,000 क्रेडिट में। अब आ जाइए परचेज्ड फर्नीचर इन कैश ₹5,000, फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर आ गया हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड है इसमें, एक तो फर्नीचर और दूसरा अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड है कैश। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, और कैश क्या है, ये भी एसेट्स है। फर्नीचर आया तो हमारा कैश एसेट्स बढ़ गई, पर हमने कैश में पेमेंट करी है, कैश पेमेंट करी है तो हमारी एक तरफ एसेट्स कम हो गई। तो जनरल एंट्री बनी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश ₹5,000 से। परचेज्ड मशीन फ्रॉम महेश ₹15,000, इसमें हमें ये नहीं लिखा कि कैश पेमेंट है, अगर नाम दिया हुआ होता है तो आप ये मान के चलिए कि ये क्रेडिट पे हमने परचेज की है। तो सबसे पहला इसमें क्या आ गई, एक तो मशीन आ गई हमारे पास, लेकिन हमारे पास कैश तो गया नहीं। दूसरा क्या है, महेश क्रेडिटर बन गया ना हमारा, महेश क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर क्या होते हैं, लायबिलिटी होती है, और मशीन आ गई है तो एसेट्स हो गई, एसेट्स कंपनी के अंदर आई है तो इट मीन्स इंक्रीज हुआ है, और लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो गई क्योंकि हमने महेश को भी पैसा देना है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों ₹15,000 से। अगेन जनरल एंट्री क्या बनी, मशीन अकाउंट डेबिट टू महेश ₹15,000 से। और आ जाइए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स बेचा है कैश में, तो इसका मतलब कैश तो आया ही है ना, एक अकाउंट तो ये इन्वॉल्व हो गया, दूसरा अकाउंट हो गया हमारा सेल्स का, क्योंकि हमारा सेल्स गुड्स सोल्ड किया है तो सेल्स अकाउंट, तो
कैश आया है तो हमारा एसेट्स अकाउंट है और सेल्स हमारा रिवेन्यू है। कैश आया है तो हमारा इंक्रीज हुआ है और रिवेन्यू है वो भी इंक्रीज हुआ है हमारा, दोनों ही इंक्रीज हुए हैं। तो 12,000 रुपीज से हमारा जर्नल एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट। अब और आगे चलते हैं, सोल्ड गुड्स टू किशोर, किशोर का नाम दिया है तो इसका मतलब हमने जो गुड्स बेचा है वो क्रेडिट पे बेचा है। तो एक तो हो गया हमारा किशोर, किशोर कौन है हमारा, हमारा डेटर हो गया, एसेट्स है, डेटर हो गया एसेट्स में, और हमारा गुड्स निकला है तो सेल्स अकाउंट हमारा रिवेन्यू जो था, है ना, ये हमारा रिवेन्यू अकाउंट है। अगर कैश लिखा होता तो हम सीधा कैश लिख देते हैं यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन कैश नहीं लिखा, नाम दिया हुआ है। अगर ये नाम देते हैं तो आप ये समझो कि ये क्रेडिट सेल है, तो किशोर का नाम आ गया, डेबिट हमने सेल्स का अकाउंट को कर दिया। तो हमारे एसेट्स हमारी क्या हुई, हमारी एसेट्स इंक्रीज हुई है और रिवेन्यू हमारा क्या हुआ, रिवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है हमारा। तो हम 8,000 रुपये से हम ये डेबिट क्रेडिट कर देंगे, एंट्री क्या बन गई, किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपीज। अब देखिए कैश पेड टू महेश, अब महेश को जहाँ यहाँ 15,000 रुपीज दिए थे हमने, परचेज की थी मशीन इनसे क्रेडिट पे, तो वो हमने 15,000 रुपीज़ वापस कर दिए हैं। तो एक तो कैश अकाउंट हमारा इन्वॉल्व है और दूसरा हमारा महेश इन्वॉल्व है ना। तो महेश की क्या था, हमारा लायबिलिटी अकाउंट था, उसको हमने पैसे दे दिए तो हमारा लायबिलिटी अकाउंट रिड्यूस हो गया, और हमने कैश दिया ये एसेट्स अकाउंट है, ये भी हमारा कैश निकल गया है ना। तो दोनों ही रिड्यूस हो गए हैं इस केस के अंदर, कितने से है ये 15,000 रुपीज से। कैश रिसीव्ड फ्रॉम किशोर, अब जो ये हमने गुड सोल्ड किया था, किशोर हमारा डेटर्स था, तो इसने कैश वापस कर दिया है, तो कैश अकाउंट आ गया। कैश अकाउंट कौन सा होता है, एसेट्स अकाउंट है, और किशोर ने पैसा दिया है तो हमारा एसेट्स अकाउंट इंक्रीज हो गया। और दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा इसमें, किशोर, क्योंकि हमने उसको डेटर्स में ट्रीट किया हुआ था, ये भी हमारा एसेट्स अकाउंट था। अब डेटर्स अकाउंट हमारा ख़त्म हो गया, उसने पैसे दे दिए, तो यहाँ पे एसेट्स अकाउंट हमारा डिक्रीज हो गया। तो 8,000 रुपीज से एक तरफ एसेट्स हमारा इंक्रीज हुआ है और दूसरी तरफ हमारा एसेट्स डिक्रीज हो गया। तो एंट्री बनी इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सुरेश, 5,000 रुपीज का चेक था, कोई सुरेश डेटर्स था तो उसका हमने चेक लिया है। तो चेक अगर कैश लिया होता तो हम कैश अकाउंट डेबिट तो सुरेश कर देते, लेकिन चेक दिया है तो हम इन हैंड कर दीजिए, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सुरेश। चेक मिला है तो हमारी एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज हुई है हमारी, सुरेश हमारा डेटर्स था, ये भी एसेट्स था, डेटर्स ने पैसे दे दिए तो डेटर्स हमारा कम हो गए 5,000 रुपीज। डिपॉजिटेड सुरेश चेक नेक्स्ट डे, अब ये जो चेक मिला था इस चेक को बैंक में जमा कर दिया है, तो चेक को हमने बैंक में जमा किया तो बैंक में आ जाएगा। एक अकाउंट में इन्वॉल्व हो गया बैंक और दूसरा हो गया चेक इन हैंड, बैंक में बैंक अकाउंट हमारा क्या था, एसेट्स अकाउंट था, चेक इन हैंड क्या था, ये भी एसेट्स अकाउंट था, यहाँ पे बैंक में आया है तो ये इंक्रीज हो गया, यहाँ एसेट्स हमारे डिक्रीज हो गई हैं। कितने का था ये चेक, 5,000 रुपीज का था। और आगे चलते हैं, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है तो हमारा किसने लिया, ओनर ने लिया है। तो ओनर ने अगर कैश लिया है तो ये क्या ड्राइंग्स में आ गया,
और कैश। ड्राइंग्स हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होती है, कैश एसेट्स होता है। तो कैपिटल अकाउंट अगर हमारा कम हो रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर कैश अकाउंट भी हमारा कम हुआ है तो ये भी डिक्रीज हो गया हमारा। तो ये कितने से है, 5,000 रुपीज़ से, 5,000 रुपीज़। चलिए और आगे चलते हैं। रेंट पेड बाय चेक 2,000 रुपीज़। रेंट था, रेंट रेंट को पे किया है चेक से, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट। रेंट तो एक्सपेंस है और ये एसेट्स है। एक्सपेंस अकाउंट अगर इंक्रीज होता है और बैंक अकाउंट अगर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है इस केस में, क्योंकि हमने बैंक के थ्रू चेक पे किया है, तो यह हमारा डिक्रीज आ गया 2,000 रुपीज़ से। इसके बाद आता है सैलरी पेड 12,000 रुपीज़। कैश में सैलरी दी है, तो यानी कि कैश तो गया हमारा। और सैलरी, सैलरी है हमारा एक्सपेंस अकाउंट और कैश है एसेट्स अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे कैश अकाउंट हमारा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने पे कर दी। कितने से पे करी है, 12,000 रुपीज़ से। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस थी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इनको आप अपने आप भी ट्राई करिएगा। कहीं भी अटकते हो तो मेरे को फिर आप कमेंट में लिखो। अब हम आगे चलेंगे बैलेंसिंग की तरफ। किसी भी अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाता है, इस तरफ हम चलेंगे। और इसको मुझे अभी हटा देता हूँ, अभी बने रहिएगा। ओके, वेलकम बैक। अब हम आगे सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की बैलेंसिंग कैसे की जाती है, बैलेंसिंग। इसमें हम कोई भी अकाउंट लेके चलते हैं, किसी भी अकाउंट को ले लो। मान लो मशीन अकाउंट है, टी फॉर्म में बनाया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट क्रेडिट साइड। फॉर एग्जाम्पल्स, हम मशीन खरीदते हैं, परचेज्ड, परचेज्ड मशीन 50,000 कैश दे के लिया। उसके बाद एक और मशीन परचेज कर ली, 40,000 की एक और ले ली, 10,000 की मान लीजिए एक और ले ली ऑन क्रेडिट। तीन मशीनें ले ली हैं। अगर क्रेडिट भी है तब भी तो मशीन अकाउंट में, एसेट्स अकाउंट में डेबिट आएगा ना। इंक्रीज तो हुआ ही है ना, एसेट्स तो हमारी कंपनी की आ गई, चाहे क्रेडिट है, ये मान लीजिए कैश है, ये दोनों कैश है, एक क्रेडिट है, तब भी इंक्रीज होगा। अब क्रेडिट साइड में क्या आएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कोई मशीन बेच दी है तो वो क्रेडिट साइड में आ गया, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन फॉर एग्जाम्पल 30,000। और क्रेडिट आइटम ले लीजिए, अगेन सेल ऑफ मशीन ले लो, 20,000। डेप्रिसिएशन ले लीजिए, क्रेडिट साइड क्या क्या चीजें हो सकती हैं, डेप्रिसिएशन हो सकता है, कोई मशीन डिस्कार्ड ही कर दी हमने, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। क्रेडिट साइड एसेट्स का क्या होता है, जो डिक्रीज हो रही है, जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये कमी हो गई ना। हमारे पास पहले 1 लाख रुपए की, ये टोटल हमारा आया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की हमारे पास मशीन्स थी, जो कम होती जा रही हैं, कम हो रही हैं, तो हम क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं। तो ये सेल ऑफ, डेप्रिसिएशन मान लीजिए 10,000 फॉर एग्जाम्पल। अब आपने ये देखना है इसका कौन सा टोटल हायर साइड का है, बड़ी साइड फिगर कौन सी है, ये वाली है या ये वाली है। नेचुरली एसेट्स है तो बड़ी साइड आपके डेबिट साइड ही होगी। तो 1 लाख रुपए आपने यहां लिखे, 1 लाख रुपए ही आप यहां पे लिख दोगे, ठीक है। लेकिन ये टोटल तो 1 लाख रुपीज का नहीं आ रहा, ये टोटल 1 लाख का है, तो हमने भी 1 लाख तो यहां लिख दिया। अब जो बैलेंस आ रहा है,
ये बैलेंस लिख देंगे 40,000। अब टैली हो गया ना। अब ये जो बैलेंस आया है, इस बैलेंस को हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ मशीन अकाउंट। डेबिट बैलेंस मींस डेबिट साइड बड़ी थी ना, डेबिट साइड की फिगर 1,00,000 रुपए थे, डेबिट बैलेंस ऑफ मशीन अकाउंट इज 40,000। और अगर किसी और अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो हम यहां लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट। तो ये बैलेंसिंग का छोटा सा फंडा है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। आपने सिर्फ से हायर साइड को लेके चलना है और बैलेंस लगा देना है। हमारे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर हमारी 40,000 थी। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके चलेंगे जीएसटी जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका कुछ बेसिक टर्म्स हम समझेंगे कि जीएसटी के क्या है, इसका इनपुट्स क्या है, आउटपुट क्या है, और जीएसटी गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस किया। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, हमें सब्सक्राइब करिए तो आपके पास अपडेट आ जाएगा। तो तब तक आप इसको समझिए। ओके, थैंक यू।